नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। दोस्तों, धूल जो है ना, रेत, इससे बचना नामुमकिन है। आप कहीं भी चले जाइए, कमरे को बंद करके रख दीजिए, फिर भी धूल आ जाती है। अब ये जो मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर के कारपेट लगे हैं, चारों तरफ जो है पर्दे लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ पर धूल आ जाती है। तब कि ये चारों तरफ से बंद है, कोई भी खिड़की वगैरह इसमें नहीं है। तो मैंने इसकी सफाई के लिए मंगा लिया ये वैक्यूम क्लीनर। हालांकि मुझे कई बार कमेंट भी आए हैं कि सर, आप कोई अच्छा सा वैक्यूम क्लीनर हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे होम अप्लायंस पे वीडियो पहले भी बनाई है। तो मैं बता दूं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर, ये है यूरेका फोर्ब्स का ट्रेंडी स्टील, और काफ़ी अच्छा ये वैक्यूम क्लीनर है। अगर वैक्यूम क्लीनर की बात की जाए तो सबसे बढ़िया इसे माना जाता है, तो कि जिसके बजट भी अलग तरीके से, बजट वैक्यूम क्लीनर में सबसे बेस्ट है। हालांकि इससे अच्छे भी वैक्यूम क्लीनर आते होंगे, लेकिन 8000 रुपए के अंदर अंदर सबसे बढ़िया वैक्यूम क्लीनर यही होता है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको वो सब भी बताएंगे। तो यार, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर इतना कुछ आपको मिलेगा कि आप हो जाएंगे वीडियो की भावना में और लाइक करना ही भूल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हैशटैग टेक्निकल योगी लिखेंगे तो आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। वहां भी मैं बहुत अच्छे अच्छे पिक्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए यार, आज कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों, डब्बे को हम जो है यहाँ पे इसकी जो टेपिंग है उसको बिल्कुल हटा देते हैं। और यार, डब्बा बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी बिग प्रोडक्ट ये है, और ये इसमें भी रह गया है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। और भाई, ये जो डब्बा है, इसके अंदर एक और भी डब्बा है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे डब्बे हैं। तो यार, बेस्ट तो ये होगा कि मैं इसको रख देता हूँ नीचे, और फिर आपको एक एक सामान निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यही डब्बा मिल जाता है, इसको भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। शायद इसके अंदर मुझे लगता है वैक्यूम क्लीनर की एसेसरीज होंगी, आई थिंक, मुझे लगता है। इसको भी हमें ओपन कर देते हैं। और हाँ, बिल्कुल इसके अंदर है एसेसरीज, लेकिन ये सारी के सारी एसेसरीज मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर, और मैं इसके जो थर्माकोल है, जो सुरक्षा के हिसाब से इसमें दिए गए, इनको हटा देता हूँ। तो चलिए, इनको हम हटा देते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा यूरेका फोर्ब्स का ट्रेंडी स्टील वैक्यूम क्लीनर। अब इसमें देखिए, ये जो है ये इसका सेक्शन होल है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये वेरिएबल पावर कंट्रोल है। इसकी बात करें तो ये जो वायर है, इसमें ये जो वायर है, इसको जैसे मैं निकालूंगा, तो इसको मैं दबाऊंगा, तो ये जो है जब लाइट से चलेगा तो देखिए, ये अपने आप इसमें वापस ले लेगा। ओके, इसमें वायर जो है हम निकाल सकते हैं, कितनी भी निकालें, कितनी भी। अब मैं बताता हूं कि आपको यहाँ कितनी वायर निकालनी है। तो ये देखिए, हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है रेड कलर का जो है आ जाता है, उसके बाद हमें नहीं निकालनी। आप वायर देखिए, काफी बड़ी है, ये जो रेड कलर का है, इससे ज्यादा वायर हमें नहीं निकालनी है। इसको मैं यहाँ पे दबाऊंगा और ये वायर अपने आप अंदर चली जाएगी। ये ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बटन आपको मिल जाता है। इसके बाद ये जो है, ये डस्ट बैग का इंडिकेटर है, ठीक है। इसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। ये जो है इसके व्हील है, ओके। इसके बाद ये जो व्हील है ये, और ये जो है ये 360 का स्पिन मूविंग व्हील, ओके। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका जो डस्ट बैग है ये कैसे ओपन होता है। तो ये जो है, यहाँ पे आप ये बटन देख रहे हैं, इसको हम यहाँ दबाएंगे, और इसको दबाने के बाद ये जो डस्ट बैग है ये ओपन हो गया है। तो ये है इसका डस्ट बैग। ये जब फुल भर जाता है तो हम इसको इस तरह से जो है, इसको नीचे करके इसको इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम टाइट निकलेगा, लेकिन जैसे नीचे करेंगे निकल जाएगा। इस ये डस्ट बैग है इसका, इसके अंदर जो है ये हमको जिप मिलेगी। इस जिप को हम खोलेंगे, और जितना भी डस्ट होगा उसको हम डस्टबिन में डालेंगे, वापस जिप को लगाएंगे, और लगाकर इसको वापस सेट कर देंगे यहां पर, और सेट करने के बाद वापस से इसको जो है हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रेंडी स्टील वैक्यूम क्लीनर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद इसका जो दूसरा बॉक्स था, उसमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा बॉक्स है, इसमें हमें मिलता है ये पिविट होज। अब इसको क्या करेंगे हम, यहां पर इसको यहां पर लगाते हैं। यहां पर लगाने के बाद इस तरह से ये जो है लग जाएगा, लॉक हो जाता है। ये अनलॉक है और ये लॉक है, ओके। इसकी अगर वायर की बात करूं तो ये जो फ्लेक्सीबल है काफी, ये देखिए टूटता उटता नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सीबल है, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये काफी बड़ा है। इसके बाद अगर बात करें और भी ज्यादा, तो इसमें हमको ये एक्सटेंशन भी मिल जाता है। एक्सटेंशन के दो पाइप मिल जाते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं, इसके अंदर फिट कर सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से फिट हो जाएगा,
और ये काफी कोनों कोनों में जाके जो है आपकी सफाई कर देगा। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। इसके बाद हमको क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमको एक ये मिल जाता है, इससे आई थिंक वो जो पाइप है उसको लगाकर हम लोग, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ये जो पाइप है इसको इसमें लगाकर हम लोग जो है कहीं भी पानी वानी का छिड़काव वगैरह कर सकते हैं प्रेशर से, इसके अंदर वो लिक्विड रखा जाएगा। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। इसके बाद हमको जो मिलता है ये मिलती है फ्लोर क्लीनर ब्रश, यानी ये जो है इसमें मैग्नेटिक सिस्टम लगाया हुआ है और इसको अगर हम इसमें यूज करेंगे तो फ्लोर के अंदर ये जो अपना फ्लोर है नीचे कारपेट लगा हुआ है वहां से हम क्यों सफाई जो इसकी कर सकते हैं। इसके बाद भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज मिलती है, अलग अलग तरह की ब्रूस हमें यहाँ पे मिल जाती है। चलिए मैं आपको सारी एक बार ब्रूस दिखा देता हूँ, हालांकि मैं इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो, जिसमें मैं आप बताऊंगा कि इसको हम कैसे जो है यूज करते हैं। बाकी मैं इसका अनबॉक्स में बता देता हूँ। ये हमें एक अलग तरीके की ब्रूस मिलती है, ये ब्रूस भी कई काम, जैसे पंखा साफ करना है तो हम पंखा इसे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये एक पाइप है जहाँ पर छोटी छोटी दरारें होती है वहाँ पर भी ये जो है मिट्टी, यहाँ पर इसको आगे अगर इसमें हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये वहाँ से भी जो है सफाई कर देगा, जहाँ छोटी छोटी दरारें होती है वहाँ से हमें सफाई करने में मदद करेगा। इसके बाद हमें एक और ब्रूस मिल जाती है, इस ये वाली ब्रूस, ये भी हमारे कई जगह जो है सफाई करने के काम आती है। इसके बाद अगर बात करें तो एक ये ब्रूस है, इससे भी हम साफ कर सकते हैं पंखा कूलर वगैरह, इस पर भी हम सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बहुत सारे टूल यहाँ पे मिल जाते हैं जो जगह जगह के हिसाब से जो है हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हम बात करते हैं, ये जो है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे, इसमें लगाएंगे ये वाला, इसको लगाएंगे इसमें और यहां पे लगाएंगे हम पानी का पाइप और यहां से अपनी गाड़ी की भी जो है धुलाई कर सकते हैं, काफी अच्छे प्रेशर से जो है पानी आएगा। इसके अलावा एक और छोटी सी यहाँ पे एक टूल मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें इतना टूल आपको मिल जाता है, इसकी कीमत जो है 7,500 से 8,000 के बीच में आती है। यूरेका फोर्ब्स का जो ब्रांडिंग है काफी अच्छा और काफी पॉपुलर ये वैक्यूम क्लीनर है, तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप चाहते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसे कंप्लीट यूज कैसे करते हैं, या आप कहेंगे तो मैं इसको अलग अलग तरीके से भी वीडियो बना दूंगा कि इससे कार की धुलाई हम कैसे कर सकते हैं, बाइक की धुलाई कैसे कर सकते हैं, पंखे की सफाई कैसे कर सकते हैं, फ्लोर साफ कैसे कर सकते हैं, या फिर पर्दे वगैरह या गद्दे सोफे वगैरह की सफाई कैसे कर सकते हैं, वो आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। और आप मुझे कमेंट में बताइए कितने लोग इसे परचेज करना चाहते हैं। और भाई अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो टैक से जुड़ी अनबॉक्सिंग या फिर टैक अपडेट्स या यूट्यूब से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, कोई जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। तो चलिए यार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।